बिहार से हैं कंचन कुमार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार सर। मैम। मैम हमको एसिडिटी का प्रॉब्लम एसिडिटी की प्रॉब्लम कब से है? है मैम। इधर हमें 1 वर्ष से है एसिडिटी की प्रॉब्लम। आपकी उम्र कितनी है? 39 साल, 39 ईयर। ठीक जी। देखिए 39, 38, 39, 40 ये रोग आने का की उम्र है। यहाँ हमारा 4-5 रोग आते हैं जिसमें एसिडिटी, कब्ज, बवासीर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम, खून का गाढ़ा होना, ये सब रोग, थायराइड, दिल का प्रॉब्लम, डायबिटीज़, ये सब आने शुरू हो जाते हैं। और इनमें से एक रोग आता ज़रूर है हर इंसान को। एक नुस्खा मेरा है जो घर घर तक पहुंच रहा है और बड़ा फायदा लोगों को है। वो ये है कि सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये 6 चीज़ें। मेथी का दाना लें। एक बार और बोलता हूँ, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना 100-100 ग्राम लेके घर में पाउडर बना के रखा करें। और एक आता है नमक, जैतून, ये बड़े जो घर हैं और सभ्य परिवार हैं उनमें तो रहता ही है। अब एक चुटकी नमक जैतून लें, ये एक ऐसा नमक है जो स्वाद में नमकीन नहीं होता। ये आप दो दो गिलास पानी में डालें। इस पानी के साथ ये जो पाउडर 6 चीज़ों का बनाया है ये खाकर ये पानी पी लें, 2 गिलास पानी, जो नमक जैतून मिला हुआ पानी, बस खाने से पहले ले लें, बाद में ले लें, दिन में 1 बार या 2 बार। ये 10-12 रोग को कंट्रोल करता है। एसिडिटी, कब्ज, बवासीर, इन्फेक्शन, वर्म, सूजन, लीवर की सूजन, लीवर बढ़ जाता है, लीवर बड़ा हो गया, लीवर खून नहीं बनाता, लीवर की सफाई, किडनी के लिए बहुत अच्छा है, इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा है और स्किन के लिए बहुत अच्छा है। स्किन की कोई बीमारी हो, खुजली हो, सोराइसिस हो, दाने निकलते हैं, मुहासे निकलते हैं, ये 10-12 रोग में काम करता है। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले कॉलर एमपी से आरती, स्वागत है आरती जी। हाँ यस जी बोलिए, प्रश्न करिए। हाँ, सर मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है। मैं तबीयत के कारण बहुत परेशान हूँ। मुझे पेट की समस्या है, सिर की समस्या है, मतलब कुछ खाना भी नहीं पचता है और सिर में भी दर्द रहता है। तो मेरे डॉक्टर से इलाज चल रहा है, जब तक टेबलेट लेती हूँ तब तक ठीक रहती हूँ, उसके बाद फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ठीक है देखिए, एक आसान इलाज लिख लीजिए आप, आपके सब जुमला मर्ज के लिए बता रहा हूँ कि सौंफ 200 ग्राम और आंवला 200 ग्राम और मेथी 200 ग्राम। ये मेथी के बीज, आंवला भी सूखा मिलता है, सौंफ भी साबुत मिलती है, इसको घर में पाउडर बना लें। और इसमें नमक जैतून आता है, एक जैतून का नमक, ये नमकीन नहीं होता, जायके में देखने में नमक जैसा होता है, 100 ग्राम इसमें मिला लें। इसे जैतून का रसायन भी कहते हैं, रसायन जैतून भी कहते हैं इसको। और इसका आधा आधा चम्मच सुबह शाम लिया करें, आपकी शिकायतें दूर होना मुमकिन है। अगली कॉलर अस्मा बड़ौदा से हमारे साथ, स्वागत है अस्मा जी आपका। कमजोरी है, पैर दुखता है और अभी है। पेट का इलाज कर लें, कमज़ोरी तो अपने आप दूर हो सकती है। और देखिए, अभी मैं एक नुस्खा बता रहा था, बड़ा कामयाब है। आंवला, धनिया, सौंफ, आंवला, धनिया, सौंफ, मेथी, ये 4 चीज़ें लीजिए, 150-150 ग्राम ले लीजिए। और इसमें 100 ग्राम नमक जैतून मिलाइए। जैतून का नमक होता है जो देखने में नमक जैसा और खाने में नमकीन नहीं होता। इसका पाउडर बनाकर आप आधा आधा चम्मच सुबह शाम खाइए, आपके ये
बताए हुए मर्ज को फायदा होना मुमकिन है। बात करते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। हेलो। हेलो, हाँ जी मैडम जी। जी नमस्कार, क्या नाम है? बात कर रहा हूँ गौरव बिहार से। गौरव जी। जी गौरव जी, आपका सवाल क्या है? पेट में थोड़ा प्रॉब्लम सा रहता है मैडम जी, ऐसे लगता है खाया पिया पच नहीं रहा, जलन सी रहती है, बात सॉरी पिक का इशू लगता है पेट में। स्टूल में भी थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टूल आता है, कभी ऐसे लगता है डाइजेस्ट नहीं होता, प्रॉपर चीज नहीं डाइजेस्ट होती। आप मेरे को डाइट चार्ट बता दीजिए या कोई छोटा नुस्खा बताइए। ठीक है जी। जो खाना बनाते हैं उसमें कंजूसी ना करें, इतनी अदरक और इतना लहसुन डालने लगें, आप देखेंगे कि अगले दिन से ही आपको फायदा होने लगेगा। अक्सर महिलाएं इतनी सी अदरक और इतना सा लहसुन डालते हैं, अगर आप लहसुन खाते हैं तो बहुत अच्छा है, लहसुन अदरक ज़्यादा डालने लगे। जो लोग भी अपने खाने में इतना सारा डालें तो सब्जी वालों का तो फ़ायदा होगा लेकिन आपका भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। ये हमारे पेट को बड़ा अच्छा करता है, हमारे हाजमे को, हमारे लीवर को। तो ये छोटा नुस्खा है, और जब भी आप खाना खाया करें थोड़ी सी सौंफ खा लिया करें तीनों टाइम, इससे भी आपको फायदा होना मुमकिन है। कॉलर हैं पुणे से शैलजा हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, नमस्कार जी। आदाब जी, मेरे माता जी का ना यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और उनका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, तो यूरिक एसिड उनका करीब 6.2 के आसपास है और इनका जो कोलेस्ट्रॉल है वो करीब 250 के आसपास है। तो उनको 5-6 लहसुन छील के इनके सामने रख दिया करिए और एक निवाले में खाएं, उसके साथ एक लहसुन चबा के खाएं, ऐसे 5-6 रोज़ाना खा लिया करें। आप अगले महीने देखेंगे कि उनका कोलेस्ट्रॉल ज़रूरत के जगह पर आ चुका है। बात करते हैं दिल्ली से रमेश जी से, स्वागत है आपका। नमस्कार जी मैडम, मैं गिर गया था उससे मेरे सेल्फ ड्रेस हो गई, तो मेरा लेटरिंग और बाथरूम में जो परेशानी। एज क्या है आपकी? मेरी उम्र है 59। 59। आपको दर्द है क्या कमर? दर्द है हाथ पैर? स्लिप डिस हुआ है ना। अच्छा, आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट है ऐसा कुर्सी वाला? हाँ जी वो वाला है, इंग्लिश वाला है। हाँ इंग्लिश वाला, हिंदी वाला नहीं चलेगा इसमें, इंग्लिश वाला होगा। तो इसका तो इस्तेमाल करें, और देखिए दो चीज़ें हैं जो मिल जाए आपको वो ले लीजिए, गोंद स्याह असली, काला गोंद मतलब असली, आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाएं, पानी से बगैर चर्बी के दूध से या जूस से खाएं, जैसे आपको आसानी हो, लेकिन ये बहुत कड़वा होता है, असली लेना ज़रूरी है। सुबह शाम खाइए, 100 ग्राम भी ले लेंगे तो ख़त्म होने से पहले आपके रोग को ख़त्म कर सकता है। ये नहीं मिले असली तो कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, कैप्सूल टी केयर सुबह शाम खाने से भी आपका ये रोग मुक्त हो सकते हैं। मीनाक्षी है अगली कॉलर लखनऊ से हमारे साथ, स्वागत है मीनाक्षी जी। जी बताइए सवाल आपका। मैम मेरे हस्बैंड के ना सीधा पैर बिल्कुल ऐड जाता है समझ लीजिए, और बहुत परेशान हो जाते हैं वो। उनकी एज है 55। ठीक है। और देखिए जिसका भी ये पैर ऐंठता है उसको समझ लेना चाहिए कि उनके कमर में, डिस्क में, कमर में इधर हिप से ऊपर नर्व दब गई है जो खून सप्लाई वाली नर्व है, तो जब भी वो उसको प्रेस करती है तो पैर ऐसे ऐंठ जाता है। इसका इलाज है, एक तो ज़रूरी यह है कि वेस्टर्न टॉयलेट घर में होना चाहिए ऐसा कुर्सी वाला, उस पर फारिग हुआ करें, मेहनत करना छोड़ दें, वज़न उठाना छोड़ दें और पत्नी का कहना मानना शुरू कर दें, और कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, कैप्सूल टी केयर लें सुबह शाम लगातार कई महीने, अगर एक महीने में फ़ायदा हो जाए तो 3-4 महीने लें ताकि वो हमेशा के लिए अच्छे हो सकें। घरेलू नुस्खे के तौर पर गोंद स्याह एक अच्छा रॉ मटेरियल है जिसे आधा आधा ग्राम खाने से रोग मुक्त होना मुमकिन है, लेकिन ये असली होना ज़रूरी है। ये कड़वा बहुत होता है और नकली बहुत मिलता है, असली की पहचान है तो इसे ले लीजिए, आपके
पति का ठीक होना मुमकिन। कॉलर राजेश कुमार दिल्ली से, स्वागत है राजेश जी। नमस्ते जी। नमस्कार मैडम, मेरे को हकीम साहब से बात करनी है। जी जी मैं बात कर रहा हूँ, फरमाइए। नमस्कार सर। आदाब, जय हिंद। जय हिंद सर। सर मेरे को, मेरी 20 साल की तो उम्र है जी, और मेरे एक तो चिड़िया चढ़ने में, घुटनों में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है चढ़ने उतरने में। दूसरा मेरा पेट ठीक नहीं रहता है सर, और तीसरी प्रॉब्लम ये है सर कि पेशाब रुक रुक के आता है सर। हेलो, कौन सा इलाज पहले करना चाहते हैं आप, एक साथ बताऊंगा तो सब। पेट ठीक हो जाए सर पहले। पेट ठीक है। अच्छा देखिए, आंवला सूखा मिलता है, आंवला 200 ग्राम, मेथी 200 ग्राम और सौंफ 200 ग्राम। आंवला, मेथी, सौंफ दो 200 ग्राम ले लें। और एक आता है जैतून का नमक, ये देखने में नमक ही जैसा होता है लेकिन जायके में नमक नहीं होता, ये 100 ग्राम ले लें। इसमें मिलाकर पाउडर बनाएं और आधा आधा चम्मच दो बार दिन में लिया करें खाने से पहले। अब देखेंगे बहुत जल्दी फ़ायदा हो गया, लेकिन ये पूरा मटेरियल जब तक ख़त्म ना हो आप लेते रहिए, आपकी पेट की समस्या का निदान मुमकिन है। नोएडा से अगले कॉलर हैं, रमेश जी स्वागत है आपका। हेलो जी रमेश जी, जल्दी से बताइए अपना सवाल। हाँ जी, ये इनका ना यूरिन और वो नहीं हो रहा है, मतलब जो वो होता है बाथरूम कंट्रोल नहीं हो रहा है। बहरहाल अगर यूरिन कंट्रोल नहीं होता तो सबसे पहले शुगर टेस्ट करानी चाहिए। शुगर नहीं है और फिर भी कंट्रोल नहीं होता तो फिर शुगर है तो पहले शुगर का इलाज शुरू करें। शुगर नहीं है तो फिर आप देखिए, एक गोंद आता है गोंद मोरिंगा, ये लें 100 ग्राम और अश्वगंधा 100 ग्राम और लाजवंती 100 ग्राम, इन सबको पाउडर बनाकर 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम खिलाया करें तो इनका यूरिन कंट्रोल होना मुमकिन है। अगले कॉलर हरीश चौधरी जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। कहाँ से बात कर रहे हैं जी? मैम आगरा से। आपका सवाल? मैम मेरी एड़ियों में दर्द ज्यादा रहता है। कब से ये तकलीफ? ये भी 1-2 महीने से। एज क्या है आपकी? 27। ठीक है जी। हरीश साहब ये आगे जाके बढ़ सकता है तकलीफ, और इसके लिए आप एक आता है गौंसिया, गौंसिया एक काला रंग के गौन जो बहुत कड़वा होता है, कुछ ज़्यादा ही कड़वा होता है, इसको 100 ग्राम कहीं से असली खरीद लें। अगर असली मिल गया तो आप ये 100 ग्राम गौन खरीदेंगे, इसके खत्म होने से पहले आपका रोग मुक्त होना मुमकिन है। दिल्ली से अगली कॉलर शीला हमारे साथ हैं, स्वागत है शीला जी। हाँ जी अकीम जी नमस्ते। जी शीला जी यादव, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, मेरी उम्र 60 साल है। आप मेरी 20 दिन पहले लाइव बात हुई थी तो आपने बालों के लिए गोंद मोरिंगा बताया था, नारियल पानी के साथ, और घुटनों के लिए गोंद बताया था। दोनों मैंने आपकी क्लिनिक मतलब करोलबाग से मंगवा ली है, ले भी रही हूँ, घुटनों में काफी फर्क पड़ा है और उम्मीद भी है मैं सही हो जाऊंगी पूरी तरह, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मेरा सवाल है जी, मेरी शुगर बाबा बॉर्डर पे आ जाती है, बाबा होते होते मैं बच जाती हूँ, तो आप जो जैतून का सिरका बताते हैं तो ये जैसे खट्टा होता है तो इन नुस्खों के साथ मैं अभी ले सकती हूँ या नहीं? और दूसरा जैसे डाबर च्यवनप्राश होता है, दही होता है, ये भी खट्टे होते हैं तो मैं इनका इस्तेमाल कर सकती हूँ या नहीं? बालों पर फायदा होने में 1 महीना नजर आता है, 1 महीना या उससे ज्यादा, इस पे जरा देर से फायदा होता है लेकिन गौंसिया ने आपको फायदा पहुंचाना शुरू कर दिया, और आप देखेंगे कि ये खत्म होने से पहले आपका तमाम दर्द कहाँ गया आप खुद नहीं बता पाएंगी। वो ख्याल रखना जो मैं कहता हूँ अक्सर, वेस्टर्न टॉयलेट घर में होना चाहिए और ज़्यादा मेहनत नहीं करें क्योंकि 60 साल के हैं आप, डायबिटीज़ का आप बहुत ख्याल रखें। अगर आपके घुटने ठीक हो जाएं तो 1 घंटा ज़रूर चला करें, अगर अभी नहीं चल सकते तो 15 मिनट करके चलें तो भी चलेगा, लेकिन 1 घंटा चलना वो भी धूप में, अगर नहीं चल सकते तो धूप में खाली बैठ जाइए, 5 बार गर्म पानी पीजिए
और आप वो ले सकते हैं जो जैतून का सिरका, आप एक टाइम रात को ज़रूर लिया करिए। अभी आप बच सकते हैं डायबिटीज़ से, अगर हो गई तो फिर बहुत मुश्किल है, तो एक टाइम आप ले लीजिए और खुश रहा करिए। कॉलर हैं भरत मिश्रा हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार जी हकीम जी, जी बताइए। आदाब मिश्रा साहब। हाँ ये क्या है कि हमारी श्रीमती जी को स्पाइन का प्रॉब्लम हो गया था। स्पाइन का ऑपरेशन हुआ है 12 जुलाई 2019 को। जी और ये अभी क्या है, चल नहीं पा रही, खड़ी नहीं पा रही। एक्सरसाइज तो चल रहा है लेकिन अभी उठ बैठ हो पा रही है लेकिन चल नहीं पा रही है। नसों में पावर नहीं है, घुटने के अंदर जो पावर होना चाहिए, एक तो लॉक हो रहा है दूसरा लॉक नहीं हो रहा है। अच्छा, उनकी उम्र बता दीजिए। उम्र है उनकी 64। ठीक है। तो देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लगता अगर आप ऑपरेशन से पहले कांटेक्ट करते तो ये ऑपरेशन से भी बच सकते थे। कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर कैप्सूल टी केयर, सुबह शाम नाश्ते और खाने के बाद बगैर चर्बी के दूध से, शुगर नहीं है तो जूस से, गरीब आदमी है तो पानी से दिया करें। और देखिए, अगर 1 महीने में भी फ़ायदा हो जाए तो आपको 3-4 महीने लगातार खिलाना है, अगर आप चाहते हैं पूरी तरह ठीक हो जाए। और वेस्टर्न टॉयलेट का ज़रूर घर में इंतज़ाम होना चाहिए, एक कुर्सी वाला ऐसे मरीज़ों के लिए ज़रूर होना चाहिए। एक बार को दवा नहीं करें लेकिन ये वेस्टर्न टॉयलेट होना ज़रूरी है। पंजाब से निशा है हमारे साथ, स्वागत है निशा जी। नमस्ते। नमस्कार, बोलिए। मैंने ना संत संत घुटनों के दर्द के लिए ना तो काला बॉन्ड मंगवाया था। ठीक है ठीक है, तो वो मुझे मिल गया लेकिन जब शुरू भी नहीं किया था उससे पहले मेरे को कुछ और बीमारी निकली अचानक। एक तो रिचौली निकली है और पिट्ठे की थैली में पथरी आई है और थोड़ा शुगर भी बढ़ा हुआ है, तो फिर अब क्या करूं, उसको शुरू करूं या ना करूं? हाँ देखिए, सबसे पहले तो पित्त की पथरी पर तवज्जो दें क्योंकि ये अगर बड़ी है तो इसका ऑपरेशन ज़रूरी है। और ये बेचैन रखती है, कुछ भी खाओ एकदम एसिडिटी, गैस और बेचैनी, तो उस पर उसका करिए। और ये खाएंगे तो ऐसा ना हो कि आपको परेशानी हो पेट में, तो अभी रोक भी सकते हैं उसे। और पित्त की पथरी का ज़रूरी है आप जो भी करें। अगर छोटी है तो देखिए निकल भी सकती है, 2-3 mm की है तो निकल सकती है। जैतून का सिरका 3 चम्मच और जैतून का ऑयल 3 चम्मच अगर पानी में मिला के रोज़ाना एक एक बार खुराक ली जाए एक बार, और एक हफ्ते तक ली जाए। अगर छोटी पथरी है तो उसको निकलना मुमकिन है। इसी के साथ अब कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। नवाब सिंह है हमारे साथ यूपी से, स्वागत है आपका, बोलिए। 2 साल से दर्द है। 2 साल से दर्द है, कहां पर दर्द है सिंह साहब? पाई साइड में, पैरों में है, पाई साइड में, पाई हिस्से में, बाएं हिस्से में। बाएं हिस्से में नीचे की तरफ, हाथों में, पैरों में? हाथ और पैर में। ठीक है, दोनों साइड में। अपना बहुत ख्याल रखा करिए। और देखिए, दर्द के लिए एक ऐसा रॉ मटेरियल, उसे ज़रा सा परेशानी होगी असली मिल जाए तो बहुत अच्छा है, जो 10-12 रुपए रोज़ की दवा है, इसे कहते हैं गोंद स्याह, काला गोंद। ये इंतहाई कड़वा होता है, यानी नीम करेला इसके आगे कुछ भी कड़वाहट नहीं रखते, और अक्सर नकली भी मिलता है। असली अगर मिल जाए तो आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम खाएं। 100 ग्राम भी अगर असली मिल गया तो ये अपने ख़त्म होने से पहले आपको रोग मुक्त कर सकता है। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। दीपक जी स्वागत है आपका। नमस्ते किम साहब। जी जी आदाब दीपक साहब। किम साहब मुझे एक सवाल करना था। मेरे जो राइट साइड का जो लेग है,
उसमें नीचे की साइड स्कूटी चलाते वक्त मेरा पैर किसी टकरा गया था पत्थर के अंदर, तो तब से मेरा जो आगे का जो बड़ा वाला अंगूठा होता है उसका नाखून टूट गया था। तो तब से मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है और मैं बहुत इलाज भी कराता हूँ लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता है, उसकी वजह से पूरे पैर में भी दर्द होता है, चला नहीं जाता उससे। देखिए अंगूठा तो ठीक हो चुका है और उस एक्सीडेंट से तो इसका ताल्लुक है, लेकिन अंगूठे से कोई ताल्लुक नहीं है, वो जर्क आपके लगा था तो कमर में कहीं नर्व दब गई है मेरे अनुभव के अनुसार। तो कुछ दिन आप कैप्सूल टी केयर ले सकते हैं, कैप्सूल टी केयर सुबह शाम लीजिए और अगर एक महीने में फ़ायदा हो जाए तो दो तीन महीने खाएँ ताकि आपको हमेशा के लिए फ़ायदा हो सके।